यहाँ से देखो आपका बुग्याल स्टार्ट हो जाता है। नजारे बब्बे चले पहाड़ में। वी आर इन टॉप। भाई भी हमारी वीडियोस वगैरह देखता है। 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद जहाँ तक नजर आप लगाओगे वहाँ तक आपको बुग्याल ही दिखेगा। ये बुग्याल ढक गया पूरे फॉक्स है, वो भी यहाँ पे मरे हुए ना, तो उनकी कवरें यहाँ पे बना रखी हैं। कंटिन्यू ब्लॉग जरूर देखना। ₹100 चाय गिलास। बाकी दगड़ियों यहाँ से देखो आपका बुग्याल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपका जगजीत टॉप। और मैं बॉर्डर जी के पास पहले भी रुका था। बाकी अभी चाय पीते हैं। और ये प्यारी लोकेशन देखो, टावर आप यहाँ पे फाइनली चले गए 4.5 किलोमीटर पे टावर। हाँ टावर पूरा ही चला गया है। और पवाली देखो कितना 4.5 किलोमीटर। तो चलो चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। गाइस लिटरली यहाँ पे ना मेरे को अपने पुराने दिन याद आ चुके हैं, बिकॉज मैं यहीं पे बैठ के बहुत सारी मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी और यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी। तो आज भी हम चाय पी रहे हैं। और क्या है कि जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में नहीं हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। आपको फॉलो बैक भी ज़रूर मिलेगा और आपको जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ होती हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। और ठीक है, बाकी अभी तो जन्नत तो बाकी है, यहाँ तो अब स्टार्टिंग हुआ है जन्नत का, ठीक है ना। बाकी अपने भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं बढ़िया सा। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना, आपको फोटोज़ बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो दगड़ियों हमारी जो चाय है वो आ चुकी है। देखो दादी जी ने चाय बनाई है, बाकी अभी चाय वगैरह पीते हैं और चाय के साथ खाएंगे पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, सो लेट्स गो गाइस, ये वाले लोकेशन को करते हैं टाटा बाय बाय। और अब चलते हैं जन्नत के रास्ते जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखो भाई, ओ पब्बे चले पहाड़ में। पानी भर रहा है, पानी चेक आउट दिस नज़ारे। ये तो अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ भाई, तब गई पहाड़ में, चले पहाड़ में। बाकी दगड़ियों जितनी हमें थकान लगी हमें कोई आइडिया नहीं है। और इसके बाद जब अब जो मज़ा आने वाला है ना, पूरी थकान हम भूल जाएंगे। मेरे को मेमोरेबल मोमेंट याद आ रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज। चलो बने रहो इस जन्नत वाली जगह पे। चेक आउट, चेक दिस, वी आर इन टॉप गाइस, वी आर इन टॉप। भाई सुकून मिल गया है आके, अभी तो शुरुआत हो रही है। ठीक है लड़की, क्या होता है आगे। भाई एक मेरा ना एक वो था, ड्रीम था यहाँ पे आने का दूसरी बारी का। मेरा ड्रीम क्या था कि मौसम होना चाहिए पूरा साफ और उसके बाद दिखने चाहिए हमें सनसेट और सनराइज का व्यू। तो बाकी फिलहाल तो देखिए मौसम की हाल अगर दिखाऊंगा आपको। ये देखो धीरे धीरे ना मौसम साफ हो रहा है। बाकी कल तक ना अगर मौसम साफ हो गया ना भाई, अलग ही लेवल का मज़ा आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि पूरा दिन वसूल और पूरी मेहनत हमारी वसूल हो चुकी है। इतनी प्यारी लोकेशन है। बाकी हमारा छोटा भाई हमारे साथ आ रहा है कैल बागे ना। तो अपना छोटा भाई है, नाम क्या बताया तूने? नौ क्या बताए? मंजीत अपना छोटा भाई है। और भाई भी हमारी वीडियोस वगैरह देखता है। गुत्तू कैल बागे से भाई का गाँव है। कोई बात नहीं, भाई शर्मा रहा है
तो गाइज अभी देखो बुग्याल पूरा शुरू हो चुका है, जहाँ तक नज़र आप लगाओगे वहाँ तक आपको बुग्याल ही दिखेगा। ये देखो जैसे आपको दिख रहा है ना, और हमें जाना है वहाँ से चढ़ाई करके उसके पल्ली पार। और मैं आपको एक खास चीज़ यहाँ पे के दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, इसको आप एक जाला टाइप का बोल सकते हैं, गिलड़े वगैरह मार के। ये इसका राज पता क्या है, ये जो आपकी मृदा अपरदन हो रहा है ना, मतलब जो मिट्टी का खनन हो रहा है उसको बचाने के लिए, ताकि ये जो मिट्टी वाली जगह है उस पर भी घास उग जाए। जैसे देखो इस पर धीरे धीरे घास उग रही है, इसलिए ये आपका जाली टाइप में इसे सेव करने के लिए लगाया हुआ है। बाकी चलो आगे चलते हैं। लगभग गाइज हम है और यहाँ पे आके ना मन नहीं भर रहा हमारा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे देखो इतनी प्यारी सी लोकेशन देखो, अब शाम की धूप ना जाने वाली है। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा तालाब है बढ़िया सा, चेक दिस। जितना ऊपर आ रहे हैं उतनी खूबसूरत जगह हमको देखने को मिल रही है, और बल्कि यहाँ से ना जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी तो जगह पे पहुँचे ही नहीं जहाँ पे हमने नाइट स्टे करना है। बाकी ये जो ब्लॉग है ना आपको तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तब जगह में इसे तीन एपिसोड इसके बनाऊँगा फिर अपलोड करूँगा। और अब धीरे धीरे ना यहाँ पर ना ठंड भी होने लग गई है, तो लेकिन मुझे मैं इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ आप लोगों को ना ब्लॉग बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। आप बोल रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि हमें भी इस लोकेशन पे जाना चाहिए, लेकिन ज़रूर आओ। बाकी हमको अभी इधर से ऊपर चढ़ना है और उसके बाद हमारा जो नाइट स्टे है वहाँ पे ही होगा ऊपर पे, ठीक है? तो चलो रास्ते में मिलते हैं आपको। ये झोला है मेरा, दगड़ो भिक्षा मांग के ना मैंने इतना कुटरा जमा कर लिया। ये देखो यहाँ पे भिक्षा की जरूरत है, भिक्षा नहीं। Now guys, we are in top of Mohali। अभी तक भाई साहब 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब जाके हमें उतराई मिली है, और यहाँ से हमें नीचे रूम्स वगैरह हैं उनके लिए भी बात करनी है, क्योंकि अभी कुछ अरेंज भी नहीं है। और ये देखो गाइस, तब पैसा वसूल, दिन वसूल रे, मजे वसूल, पैसे तो आ जाएगा। और अपने भाई को भी पूछे, भाई तब भाई भाई होगी हालत खराब भाई, चलो अब नीचे फाइनली। और उसको कुछ पता नहीं है रूम मिलने का नहीं, काटा बाहर भी सो सकते हैं, एक ही स्लीपिंग बैग में तीन तीन सोएंगे, ठीक है? चलो अब नीचे चलते हैं। मेरी स्लीपिंग, बाकी अगर ये मेरे आप लोग पीछे मंदिर वगैरह देख रहे होंगे तो ये उन लोगों के हैं जिनकी यहाँ पे डेथ वगैरह हुई है, उस वजह से उन लोग यहाँ के लोगों ने ना मंदिर वगैरह बनवाया है। और बाकी दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको, 7:30 बजने वाली हैं, 7:20 हो चुकी हैं, घड़ी आप चेक कर सकते हो। और काफ़ी लेट लेट इसलिए हुए, जैसे हम ना बुग्याल में पहुँचे ना भाई पूरी थकान भूल गए, सब कुछ भूल गए, बस दिख रहा था तो ओनली चारों तरफ ओनली बुग्याल ही बुग्याल, और खूब मज़े करे, फ़ोटो शूट वगैरह किया। बाकी कल सुबह तो घूमेंगे ही, फिलहाल थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है? और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करी हुई, तीन एपिसोड बनाए हैं
तीनों को एडिट करने में बराबर वाट लग जाती है, बट फिर भी आप लोगों के लिए सो सपोर्ट, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाओ। क्यों? और चेक करो गाइस, सामने आप वो दिख रहा है, वहाँ देखो बुग्याल ढक गया पूरे फॉक्स है। और ये जो आपको गाय वगैरह दिख रही है वो मतलब ना ये गाय नीचे चले गई थी और इन ये डर के मारे हमारे आगे आगे ऊपर वापसी लौट गए, फिर ऊपर आ गए। तो चलो बाकी फ़िलहाल तो बहुत नीचे जाना हमने वहाँ पे रूम का पता करने, रूम का पता नहीं खाने का पता नहीं। अब देख कंजन खोटा खप चाना। तो दगड़े फाइनली हमें अपनी डेस्टिनेशन दिख चुकी है, वो देखे वहाँ पे घर वगैरह है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये पता क्या है, ये है कब्रें। जितने भी मुसलमान यहाँ पर गुज्जर वगैरह आते हैं और तो जो भी यहाँ पे मरे हुए ना तो उनकी कब्रें यहाँ पे बना रखी हैं, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा अलग बात है। बाकी हमको चलना है अभी रूम पे, फिर अरेंज भी करना है, फिर उसके बाद शायद यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर दूँ। तो दगड़े मेरे को लगता है ये जो सेकंड एपिसोड है, सेकंड पार्ट है, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो होगा नेक्स्ट कल डे का, और आज रात जो भी सीन होगा उसका, ठीक है। बाकी देखो कितने मज़े से चढ़ रही है गाय। भाई ब्लॉग यहीं पे एंड कर दें, आप ब्लॉग एंड कर देते हैं, एक पार्ट कल बनाएंगे पक्के भी वाला, ठीक है। अगली बार तो आप कल से बनाएंगे, कंटिन्यू ब्लॉग जरूर देखना भाई साहब, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको, बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं।